गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रूप चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024, जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए टॉप 50 ट्रू फॉल्स लेकर आए आज क्लास में, जो की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ट्रिपल सी में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज क्लास में डिस्कस करेंगे, जो की आप एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि हम रिसर्च बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो की आप एग्जाम्स में 100% आपके एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी इसमें, ठीक है। तो आज क्लास प्रैक्टिस क्लास नंबर 11 है। इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास को डिस्कस किया है, तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम 2024 के नाम से, जो कि सभी क्लासेज को देखना अनिवार्य है इसमें। अगर सभी क्लासेज को अगर आप देखते हैं इसमें तो ट्रिपल सी में फर्स्ट बार में ही आप पास आउट जरूर होंगे, 100% आप अच्छे ग्रेड से पास आउट होंगे इसमें। ट्रिपल सी में किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं जो कि 9458009461 पे आप कनेक्ट कीजिए, आपको पूरा सहायता किया जाएगा इसमें। रेगुलर क्लासेज जो होती है रात के 8 बजे होती है, रेगुलर क्लासेज में आप सभी ज्वाइन हुई है। रेगुलर क्लासेज अगर आप करते हैं स्टूडेंट तो आप सभी को काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम में इसमें। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में ज्वाइन हो जाइए। और आप सभी को गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैं रेगुलर क्लासेस लेकर आता हूं कि आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छा जाए, तो आप सभी के लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो थोड़ा सा जो है ना आप सभी का भी फर्ज बनता है कि क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि और भी साथी या जो भी आपकी नोटिफिकेशन है कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके इसमें। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है POS स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल, POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल है क्या? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। आज जो भी बच्चे हमारे साथ में लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देते चलिए। फास्टली क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चंस को पहले बी केयरफुली समझिए, उसके बाद ही आप सभी लाइव चैट में सभी आंसर देते चलिएगा और फास्टली हम आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे इसमें, ठीक है। बताइए आप सभी POS स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ सेल, POS का मतलब पॉइंट ऑफ सेल है क्या? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए आप सब जल्दी से स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्लिप कैन बी मल्टीमीडिया फाइल डेट कंटेंस आर्ट साउंड एनिमेशंस और मूवीज। एक क्लिप एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है जिसमें कला ध्वनि एनिमेशंस या फिल्में शामिल है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। लाइव चैट में बताना है आप सभी को, सभी क्वेश्चन का आंसर बताते चलना है लाइव चैट में, जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है ट्विटर इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट विच कम्स अंडर माइक्रो ब्लॉगिंग। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आती है, बताइए आप सभी बच्चे किस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा क्या होगा, बताइए आप सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यू मस्ट बी ऑनलाइन टू रिसीव एन ईमेल। ईमेल प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन होना चाहिए, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है URL इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का संक्षिप्त रूप है, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी जो बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। आज जल्दी से आप सभी बताते चलिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस। HTTP का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस है, बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है RTGS स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का मतलब रियल टाइम ग्राम सेटलमेंट है, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यू कैनॉट सेंड एन ईमेल विदाउट राइटिंग इट्स सब्जेक्ट। आप ईमेल का विशेष लिखे बिना नहीं भेज सकते हैं, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी
ऑप्शन नंबर बी बताया, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डीएफएस स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डीएफएस का मतलब वितरित फाइल सिस्टम है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप सभी लाइव चैट में क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए आप सभी बच्चे कि DFS stands for distributed file system, DFS का मतलब वितरित फाइल सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऑल सक्सेसफुली सेंड ईमेल आर स्टोर्ड इन ड्राफ्ट फोल्डर। सभी सफलतापूर्वक भेजे गए ईमेल ड्राफ्ट फोल्डर में संग्रहित है क्या? बताइए आप सभी बच्चे किस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, NEFT स्टैंड फॉर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यू कैन यूज एन OTP फॉर मल्टीपल ट्रांजेक्शन। आप कई लेन देन के लिए एक OTP का उपयोग कर सकते हैं। तो बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू हो गया या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बुकमार्क इज अ लिंक ऑफ एनी वेबसाइट, यूजर कैन सेव इट फॉर फ्यूचर यूज। बुकमार्क किसी भी वेबसाइट की एक कड़ी है जिसे उपयोगकर्ता भविष्य में उपयोग के लिए सहेज सकता है। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन समझिए, इसमें क्वेश्चन है, बुकमार्क किसी भी वेबसाइट की एक कड़ी है जिसे उपयोगकर्ता भविष्य में उपयोग के लिए सहेज सकता है। बताइए आप सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यू हैव टू ऑन द लोकेशन टू सर्च अ प्लेस इन गूगल मैप। गूगल मैप में किसी जगह को सर्च करने के लिए आपको लोकेशन ऑन करनी होगी। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, द फुल फॉर्म ऑफ UTS इज अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। UTS का फुल फॉर्म अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम है क्या? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चैट बॉट्स आर वर्चुअल एजेंट्स दैट कैन आंसर योर क्वेरीज इन रियल टाइम। चैटबॉट वर्चुअल एजेंट है जो वास्तविक समय में आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा और जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, NASSCOM इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एवं सर्विसेज कंपनीज का संक्षिप्त रूप है क्या? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टू कंप्यूटर्स हैव द सेम IP एड्रेस। दो कंप्यूटर का IP पता समान होता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है, एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ट्रू और फॉल्स से क्वेश्चन स्टूडेंट 10 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है और 10 क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का आता ही आता है। तो ट्रू फॉल्स में आप सभी बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, क्वेश्चन को बी केयरफुल पढ़िए और उसका जवाब दीजिए और लास्ट तक बने रहिए। बताइए आप सभी, दो कंप्यूटरों का IP पता समान होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का मतलब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बार कोड एंड QR कोड बोथ आर सेम। बार कोड और QR कोड दोनों समान है क्या? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताना है आप सभी बच्चों को।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है MNREGA मनरेगा इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांट एक्ट। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ W इज वर्ल्ड वेब वाइड। WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वेब वाइड है क्या? बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसमें, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, लेकिन इसमें गलत दिया गया है कि वर्ल्ड वेब वाइड, ठीक है, इसीलिए इसको जो आपका आंसर है वो फॉल्स है और जो ट्रू होगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस कॉम्स अंडर डिजिटल इंडिया। ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है शेयरिंग समवन्स इल्स ट्वीट इज कॉल्ड रीट्वीट। किसी और ट्वीट को शेयर करना रीट्वीट कहलाता है क्या? तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है द सेंट ईमेल्स आर स्टोर्ड इन इनबॉक्स। भेजे गए ईमेल इनबॉक्स में संग्रहित हैं। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है भीम इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? बताना आप सभी को इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है POP1 प्रोटोकॉल इज यूज टू फेच ईमेल्स फ्रॉम मेलबॉक्स। POP1 प्रोटोकॉल का उपयोग मेलबॉक्स से ईमेल लाने के लिए किया जाता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यू कैन फॉरवर्ड एनी ईमेल्स मैसेज टू एनीवन एल्स आफ्टर रीडिंग इट। आप कोई भी ईमेल भेज मैसेज पढ़ने के बाद किसी और को फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट, क्योंकि ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है MQTT स्टैंड फॉर मैसेज क्वाइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT का अर्थ है संदेश कतारबद्ध टेलीमेट परिवहन है, जो कि बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आधार नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज द उमंग ऐप। उमंग ऐप का उपयोग करने के लिए आधार नंबर की आवश्यकता नहीं है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका हो जाएगा फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यू कैन बुक अ रेलवे टिकट एनी टाइम फ्रॉम IRCTC वेबसाइट। आप IRCTC की वेबसाइट से कभी भी रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। स्टूडेंट कभी भी आप टिकट को बुक कर सकते हैं 24 आवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेविंग अ डॉक्यूमेंट और इमेज फ्रॉम इंटरनेट इन आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड अपलोडिंग। अपने कंप्यूटर के में इंटरनेट से किसी भी दस्तावेज या छवि को सहेजना अपलोड करना कहलाता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर इंक्लूडेड इन द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली में अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक शामिल हैं। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यू कैन नॉट रिक्वेस्ट अ न्यू ATM कार्ड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नए ATM कार्ड का अनुरोध नहीं कर सकते हैं, क्या बिल्कुल सही है या गलत है? बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा फॉल्स। जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर विद टू टाइप्स ऑफ की, प्राइवेट कीज एंड क्रिप्टोग्राफिक्स की। डिजिटल सिग्नेचर की दो तरह की चाबियां से सुरक्षित है, प्राइवेट की और फोटोग्राफ की। बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यू कैन चेंज द डोमेन नेम ऑफ
क्या वेबसाइट, आप किसी वेबसाइट का डोमेन नाम बदल सकते हैं? तो आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगर प्रश्न है HMD स्टैंड फॉर हेड माउंटेड डिस्प्ले, HMD का मतलब हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है गूगल कार्डबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल कार्डबोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है CVV कोड इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांसमिशन पासवर्ड, CVV कोड का कोड को ट्रांसमिशन पासवर्ड भी कहा जाता है। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यू पे फॉर यूजिंग डिजी लॉकर सर्विसेज, आप डिजी लॉकर सेवाओं का उपयोग करने के लिए भुगतान करते हैं। बताइए आप सभी बच्चों, डिजी लॉकर आप यूज करते हैं तो उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स, बिल्कुल नहीं करना पड़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है PMSBY इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, PMSBY एक दुर्घटना बीमा योजना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है फेक न्यूज कैनॉट बी स्प्रेड ऑन फेसबुक, फेसबुक पर फेक न्यूज नहीं फैलाई जा सकती है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स, जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है एवरी ब्रांच ऑफ बैंक हैज इट्स ऑन IFC कोड, बैंक की प्रत्येक शाखा का अपना IFC कोड होता है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यू कैनॉट सेव फोटोज ऑफ अदर पीपल्स ऑन इंस्टाग्राम, आप अन्य लोगों की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर सेव नहीं कर सकते हैं। तो बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स, जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है द टू पार्ट्स ऑफ एन ईमेल एड्रेस इज ज्वाइंट विद द सिंबल एट द रेट, ईमेल पते को दो भाग एट द रेट प्रतीक के साथ संयुक्त होते हैं। बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हैकर इज एन एक्सपर्ट प्रोग्रामर, एक हैकर एक विशेष प्रोग्रामर है क्या? बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है P2P स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट, P2P का मतलब पॉइंट टू पॉइंट होता है। बताइए आपसे बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यू कैन पे योर क्रेडिट कार्ड बिल्स यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, आप इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके अपने क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान कर सकते हैं। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है थ्रू UPI यू कैन ऑल्सो मेक ऑफलाइन पेमेंट्स, UPI के जरिए आप ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने भी फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है IMPS एंड USD बोथ परफॉर्म द सेम फंक्शन, IMPS और USD दोनों समान कार्य करते हैं। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रू। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अश्विन, आज क्लास आप सभी को कैसा लगा? 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, त्रिपल में कोई भी अगर अपडेट आता है उससे पहले आप सभी को मिल सके अश्विन। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी क्लासेज को देख लीजिएगा, और दोबारा से अगर क्लासेज समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा से इस सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस किए हैं जो कि ट्रू फॉल्स ओनली है। तो आप सभी को दोबारा से ही क्लासेज को पढ़ लेना है, और जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी CCC जो फरवरी एग्जाम का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी क्लासेज को आप देखिए, क्योंकि अभी तक हमने 10 क्लासेज को डिस्कस कर लिया है, ये आपका 11 क्लासेज है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेज को ये सीरीज जो है आप सभी के लिए काफ़ी हेल्प रहेगी आपके एग्जाम के लिए जो है। और CCC कंप्लीट कोर्स भी करा रहे हैं, तो CCC कंप्लीट कोर्स को भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सिलेबस से लेकर सभी चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं, अभी सीरीज चल रही है, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 या पार्ट 2 और 3 अभी अपलोड करने वाले हैं, तो भी आप सभी को मिलेगा। जैसे जैसे क्लासेज हमारी आती रहेंगी वैसे वैसे आपको मिलता रहेगा। उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, और उसके बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना है कि अगर किसी भी तरीके का अपडेट आता है तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।